पवन पांडे जी हमारे साथ हैं, अयोध्या में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या होगा 10 मार्च को, अयोध्या की जनता क्या फैसला देने जा रही है? अयोध्या की महान जनता प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, बजरंग बली के आशीर्वाद से साइकिल की पैंडल पे उसने जोर लगा दिया है और साइकिल पूरी रफ्तार से विधानसभा कूच कर चुकी है। देखिए अभी जब योगी जी आए थे तो योगी जी अयोध्या से गोरखपुर चले गए, यानी उनको जहां जाना था। अखिलेश जी रोड शो करके लखनऊ चले गए, उनको जहां जाना था वो चले गए, यानी वो विधानसभा पहुंच गए। तो आपको लगता है कि इस बार 2012 वाला जो आपने एक बार यहां पे प्रदर्शन, 12 से ज्यादा प्रचंड बहुमत है अयोध्या विधानसभा, समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। अखिलेश जी ने जो काम किया, विकास किया, आज जनता के सर चढ़कर वो जादू बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल केवल लूट किया है, फर्जी एनकाउंटर करवाए हैं, फर्जी मुकदमे करवाए हैं, अधिकारी नेताओं के गठजोड़ ने अयोध्या की जमीनों को लूटा है, ठगा है। व्यापारी किसान मारे गए हैं, बुलडोजर चलाया इन्होंने किसानों पर, मासूम व्यापारियों पर, और उसका बदला आज प्रजा जनता लेने जा रही है। अच्छा ये बताइए कि राम मंदिर निर्माण हो रहा है और धार्मिक नगरी है तो थोड़ा सेंटिमेंट है लोगों में, तो बीजेपी कह रही है कि लोग तो हमको वोट देंगे। अब भाई प्रभु श्री राम के नाम कोई पट्टा थोड़ा है उनके पार्टी का, पिताजी का। प्रभु श्री राम तो हमारे भी हैं, बजरंगबली हमारे भी हैं, हम उनकी तरह बस इतना ही करते हैं कि जी जब घंटी बजाना होता तो आपको बुला के कैमरा नहीं लगवाते, हम टीका लगाए पूजा किए तो आपके कैमरे के सामने हम पूजा नहीं करते। वो हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे भगवान हैं, हम उनसे शक्ति मांगते हैं, ताकत मांगते हैं, ऊर्जा मांगते हैं, हम उनके नाम पर राजनीति नहीं करते। हमारे राजनीति करने के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, आम आदमी कैसे मजबूत हो, आम आदमी कैसे खुशहाल हो, अंतिम व्यक्ति के परिवार में कैसे खुशहाली आए, ये हमारा मुद्दा है। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मिले, अच्छी चिकित्सा कैसे मिले, बढ़िया सड़क कैसे मिले, बच्चों के हाथ में स्कूल में ड्रेस और किताब कैसे आए, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, हम इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। अखिलेश जी जब आए थे इस बार तो क्या वायदा करके गए हैं कि अगर सरकार बनती है तो अयोध्या के लिए हमारा क्या विजन होगा? सरकार बनेगी, अयोध्या को धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे, सारे भाजपा के लूट कांड का पर्दाफाश करेंगे, मेडिकल कॉलेज को सुंदर अच्छा बनाएंगे, अच्छी दवाइयां देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, और जो व्यापारी किसान उजाड़े गए हैं योगी सरकार में उनके परिवारों के साथ न्याय करेंगे। तो पवन पांडे जी थे हमारे साथ और इस समय मतदान केंद्र पर वोट करने के लिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हालात 2017 जैसे नहीं है, 2012 में ये जीते थे यहाँ पे, उससे बड़ी जीत हासिल करेंगे। उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार बनती है तो जो यहाँ पर लैंड स्कैम हुआ था जिसका खुलासा इन्होंने खुद किया था उसकी जांच कराई जाएगी, जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी जांच कराई जाएगी और अयोध्या को धार्मिक नगरी का स्वरूप दिया जाएगा, ये वायदे किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर जनता ने, अयोध्या की जनता ने किसको अपना नेता चुना है। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, अयोध्या।